तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आईटीआई एडमिशन 2023 की पूरा फुल डिटेल के बारे में। लास्ट तक देखना, मैं भी एक आईटीआई का जो है टीचर हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से आईटीआई एडमिशन की पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे क्लास लेना है वो सारी जानकारी मिलेगी, आपको पेपर के संबंधित सारे मॉडल पेपर सभी चीज प्रोवाइड की जाएगी चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ आपके जो भी जॉब आने लगेगी उसकी रिक्वायरमेंट में भी आपको सारे कंपनी के बारे में भी बताया जाएगा। जो जो क्लास में आप सभी को हमारे आईटीआई के बच्चों के द्वारा पढ़ाया जाता है उसी चीजों को आपको भी पढ़ाया जाएगा जो है ऑनलाइन के माध्यम से। तो प्लीज चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम जानते हैं आईटीआई एडमिशन 2023 के जो जो डाउट होते हैं। सबसे पहला जो डाउट होता है साथियों, वो होता है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के, उसके बाद मेरिट लिस्ट, योग्यता क्या होती है, एनसीबीटी एससीबीटी क्या होता है, हाई स्कूल में प्रतिशत कितने होने चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा एडमिशन के लिए, तैयारी क्या होनी चाहिए, और टॉप ट्रेड कौन कौन से होते हैं, कॉलेज कौन कौन से, और स्कॉलरशिप कितनी आती है और फीस कितने मिलते हैं। तो इन सबके बारे में साथियों जो है बात करेंगे पूरा फुल डिटेल में। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं सबसे पहले साथियों ऑनलाइन फॉर्म। यूपी केवल बिहार को छोड़ के बाकी सभी स्टेट में जो है ऑनलाइन फॉर्म सबसे पहले फिल करना पड़ता है आईटीआई एडमिशन के लिए। बिहार में क्या साथियों कि वहां पे एडमिशन के लिए जो है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो बिहार के छोड़ के बाकी अदर स्टेट के लिए या वीडियो है, तो सबसे पहले आप क्या करें ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैंने वीडियो बना दिया है, आपको स्क्रीन पर भी देखा होगा क्या क्या फॉर्म लगेंगे। अगर वो वीडियो चाहिए तो वीडियो के प्लेलिस्ट में है या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म। और कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन करना, अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बना के डाल दिया है किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन भी करना है। और बाकी जैसे जून से अभी तो एक ही नोटिस आया कि जून से आप सभी का एडमिशन जो है फॉर्म फिल होने चालू होंगे, प्रचार प्रसार चालू हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म सबसे पहले आपको क्या करना है फिल करना है। उसके बाद साथियों क्या है मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो किस प्रकार से एडमिशन होता है मेरिट लिस्ट के अनुसार वो बताते हैं। आपको 3 मेरिट लिस्ट मिलेगी, पहली मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद आएगी साथियों आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट और आएगी आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट। किस प्रकार से आएगी साथियों, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कटाव जाता है हम आप सभी को बता दें, पहले कटाव जो जाता है वो जाता है आपको मान के चलिए कोई भी कास्ट हो 85 के ऊपर मान के चलिए कि जाता है। सेकंड में आते आते साथियों 75 तक भी एडमिशन मिल जाता है, 75% अगर हाई स्कूल में है आपका फिर भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इसमें भी सेकंड मेरिट लिस्ट में आते आते साथियों 60-65% वाले भी एडमिशन ले लेते हैं। वो कौन होते हैं, वो आरक्षण कोटा वाले होते हैं, नहीं तो क्या होती है कि उनकी जो ट्रेड जो चयन करते हैं वो टॉप लेवल की ट्रेड नहीं होती, छोटी मोटी ट्रेड होती है, जो उनका चयन करते हैं उन्हें आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको टॉप ट्रेड चाहिए तो आपको जो प्रतिशत होने वाला है वो 75 से एवव अगर प्रतिशत है तो फोर्थ मेरिट लिस्ट तक जाते जाते आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर 75 के नीचे है और जनरल और एससी और एसटी में है तो 75 के नीचे भी आपका एडमिशन हो सकता है। आई होप आप इतने जो है समझ गए होंगे मेरिट लिस्ट के बारे में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट बन के आती है और फोर्थ मेरिट लिस्ट जो होता है साथियों ये आपके जो जिले में सबसे बड़ी आईटीआई होती है वहां से बनाई जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा अवसर होता है छात्रों को जिनका बहुत कम प्रतिशत होता है 50%, 70%, वो भी इस समय यहाँ पे जाके बात करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो वो सारी बातें मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप शुरू होती रहेगी सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। उसके बाद ये आपको मेरिट लिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने सारी चीजों का अलग अलग डिटेल में वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरिट लिस्ट के बारे में अलग, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में अलग, एनसीबीटी एसटीबीटी के बारे में अलग, लेकिन मुझे लगा कि ये कैसे वीडियो बनाया जिसमें सब मैंने बता दूं, तो ये साथियों सब इसमें मैं कवर करूंगा। उसके बाद एनसीबीटी और एससीबीटी की बात आती है साथियों। एनसीबीटी और एससीबीटी की अगर हम बात करें, एनसीबीटी क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और एससीबीटी जो होता है वो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीबीटी जो होता है साथियों
यह भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और जबकि आपकी एससीवीटी जो होती है वो होता है आपके राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अब इन दोनों में अंतर की बात अगर हम करें तो साथियों, अगर आप आईटीआई एनसीबीटी ट्रेड से करते हैं, एनसीबीटी और एससीबीटी जैसे आपने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड पढ़े हैं, सेम वही होता है जैसे यूपी और सीबीएसई बोर्ड वैसे होता है एनसीबीटी और एससीबीटी बोर्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा एनसीबीटी जो होती है साथी भारत सरकार के द्वारा इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी। तो आप अगर एनसीबीटी से पास करते हैं आईटीआई तो आप देश इंडिया नहीं ऑल इंडिया के साथ साथ आप दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं जॉब करने के लिए, आप अपने मार्कशीट को लगा सकते हैं ऑल इंडिया कहीं भी और विदेश में भी। लेकिन एससीबीटी की बात करें अगर साथियों तो आप एससीबीटी से ऑल इंडिया में भी काम नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एससीबीटी को स्वीकार नहीं करती। तो आपको जो सबसे अच्छा ट्रेड होने वाला है वो एनसीबीटी होने वाली है। लेकिन एक और आपको प्रॉब्लम होगी एनसीबीटी से, क्या है साथियों कि जब भी कहीं आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन करेंगे उसी आईटीआई में जो है एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों की ट्रेड होती है, उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने वीडियो एक बना रखा है उसे जाके देखोगे, उसमें आप कैसे देखेंगे कि इस कॉलेज में कौन सी एनसीबीटी की ट्रेड है कौन सी एससीबीटी की ट्रेड है वो पता चल जाएगी। अगर आपको नहीं पता चले उस वीडियो से तो आप हमें कमेंट कर देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसी भी सवाल के जो आपके लिए। उसके बाद साथियों एससीबीटी एससीबीटी आपको समझ में आ गया होगा। आप एससीबीटी से साथियों जब आईटीआई करने के बाद आपको कहीं आईटीआई में पढ़ाना होता है कई सरकारी अप्रेंटिस आती है तो वहां पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपको किसी आईटीआई में पढ़ाना है तो आपको क्या करना है सीटीआई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनसीबीटी से नहीं होकर एससीबीटी से किया है आगे तो साथियों आप सीटीआई नहीं कर सकते, मतलब आप गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर नहीं बन सकते। आगे बात करते हैं हाई स्कूल में प्रतिशत, हाई स्कूल में प्रतिशत कितना होना चाहिए इसके बारे में भी हमने बताया कि आप सभी को अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट में आप पास हो हाई स्कूल में तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे 30% 40% 50% हो तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए साथियों अगर आपको टॉप ट्रेड चाहिए तो कम से कम मान के चलिए किसी भी कास्ट के हैं 70 से above प्रतिशत होना चाहिए। अगर आपका 70 से अधिक प्रतिशत है तो आपका छठ मेरिट लिस्ट तक नाम आ जाएगा। अगर आप 70 से कम है तो साथियों आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट में जो है ट्राई करना पड़ेगा। और एक और मौका आता है साथियों, उस समय जब फॉर्म को करेक्शन करते हैं ना उस समय बीच में मौका मिल जाता है कि आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में भी एडमिशन का मौका मिल जाता है। लेकिन यह साथियों 2 दिन के लिए खोला जाता है। इस समय अगर बहुत सारे छात्र हमारे चैनल के माध्यम से जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम ले लिए हैं 55% था तभी, तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे अगर बात करें साथियों तो कम से कम आप मान चलिए कि 70% आपका जो है होना चाहिए हाई स्कूल में आपको थर्ड मेरिट लिस्ट तक एडमिशन लेने के लिए सरकारी में। प्राइवेट के लिए साथियों आप केवल हाई स्कूल में पास है फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम साथियों योग्यता की बात करें, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो योग्यता की बात करें आप 8 के बाद भी आईटीआई कर सकते हैं और क्लास 10 के बाद भी आईटीआई कर सकते हैं। अगर उम्र की बात की जाए साथियों तो मिनिमम जो उम्र है, उम्र की अगर बात की जाए तो मिनिमम जो उम्र है साथियों वो है आप सभी की 14 साल। अगर आप 14 साल से नीचे हैं तो आप आईटीआई में एडमिशन नहीं पाएंगे, अगर 14 साल से ऊपर हैं तो आपको आईटीआई में एडमिशन मिल जाएगा। अब आइए आगे बात करते हैं अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो साथियों मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में वीडियो बना दिया, आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं सारे आपको सामने दिखेंगे। लेकिन तैयारी में क्या क्या करना है डॉक्यूमेंट में जो सबसे जरूरी है, पहला सबसे जरूरी है जिसमें छात्र छठ जाते हैं डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में साथियों आपके 20% छात्र जो है नहीं कंप्लीट कर पाते डॉक्यूमेंट और उनका एडमिशन नहीं होता। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप हमारे चैनल के माध्यम से सारी चीज मैं बहुत पहले अपडेट कराता रहूंगा, आपको एडमिशन बहुत ही आराम से मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में साथियों सबसे पहली बात है आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है ऐड करा लो, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करा लो। अगर आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका पापा का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ भी गलत है तो आप उसे जो है सुधार कर ले। यह बहुत ही बड़ा अवसर है साथियों, अगर इसमें गलती होगी तो फिर आपका एडमिशन
कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद साथियों बात करें टॉप ट्रेड की, तो टॉप ट्रेड को ऐसे में कैसे डिफाइन करता हूं, बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होती है गवर्नमेंट जॉब में। जैसे आपको ट्रेन में जाना है और रेलवे में वैकेंसी है तो उसमें टॉप ट्रेड अलग आ जाती है, एसएससी के लिए टॉप ट्रेड अलग आ जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपके जो टॉप ट्रेड है फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मैकेनिकल मैकेनिक है, आरएसी है, रेफ्रिजरेंट वाला, उसके बाद और कोपा है, ये टॉप ट्रेड है जो आपको आईटीआई में लेनी चाहिए। अब अगर हम बात करें साथियों कॉलेज के बारे में कि आईटी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रहता है या प्राइवेट कॉलेज अच्छा रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रहता है प्राइवेट कॉलेज, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा पड़ेगा अगर इसके बारे में बात करें तो साथियों आपको अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और टॉप ट्रेड मिल जाती है तो साथियों आपके लिए गवर्नमेंट ऑप्शन जो है गवर्नमेंट आईटीआई बेस्ट है। अगर आपको टॉप ट्रेड नहीं मिलता है साथियों मेरिट लिस्ट में गवर्नमेंट आईटीआई में तो आप कतई भी गवर्नमेंट आईटीआई से मत करिए, प्राइवेट आईटीआई से आप टॉप ट्रेड के साथ एडमिशन करिए। तो अब बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि साथियों देखिए जब आप गवर्नमेंट आईटीआई से टॉप ट्रेड में करते हैं ना तो टॉप ट्रेड में जो होता है आपके बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटी मोटी ट्रेड से करते हैं ना भले गवर्नमेंट से किए तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसीलिए प्राइवेट से अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि अगर बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट के सर्टिफिकेट के तो दोनों सर्टिफिकेट सेम होते हैं, जहां आप गवर्नमेंट का लगाएंगे वहां आप प्राइवेट का भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वाले छात्र जल्दी सक्सेस होंगे और प्राइवेट वाले बाद में सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम डाउट की बात करें तो अंतर जो होता है साथियों वो केवल फीस का होता है, गवर्नमेंट आईटीआई में फीस कम लगती है, प्राइवेट आईटीआई में फीस ज्यादा लगती है। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम फायदे के बारे में करें साथियों तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इसलिए जल्दी सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि वो रेगुलर क्लास करते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में बच्चों के लिए ये बड़ी बन जाती है कि केवल एडमिशन करा के चले जाते हैं, बाद में केवल पेपर देने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट में नहीं होता। और बात करें तो जो रेगुलर वाले बच्चे रहेंगे चाहे प्राइवेट के रहें या गवर्नमेंट के रहें उन्हें जॉब अच्छे से मिल जाएगी क्योंकि वो उसे एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर अब हम बात करें साथियों टॉप ट्रेड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉलेज के बारे में भी बता दिया, अगर हम बात करें स्कॉलरशिप के और फीस के बारे में तो साथियों स्कॉलरशिप अगर हम गवर्नमेंट के आईटीआई की करें तो गवर्नमेंट आईटीआई में जो स्कॉलरशिप आती है वो आती है 2500 से 3000 रुपए तक स्कॉलरशिप आती है, जबकि इसका एडमिशन केवल कितना लगता है 300 रुपए लगता है साथियों आपका कासन मनी होती है। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो 300 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लिए जाते हैं ताकि आप कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो इस 300 रुपए में से कट जाता है, अगर आप कोई तोड़ फोड़ स्कूल के नुकसान करते हैं तो ये 300 रुपए में से कट जाता है, नहीं तो आप पास होते हैं, अगर आप कुछ नहीं नुकसान किए तो आपको ये 300 रुपए वापस आ जाता है। और जो फीस लगता है साथियों वो लगता है 40 रुपए पर मंथ के अनुसार आपका फीस लगता है, तो 1245 480 रुपए जो है पिछले साल तक फीस था 480 रुपए, 300 लगता था तो 780 रुपए पूरे लगते थे एडमिशन के समय, जबकि एससी और एसटी के जो कास्ट के बच्चे थे उनका जो एडमिशन होता था वो फ्री होता है, उनका कोई भी चार्ज नहीं लगता, केवल 300 रुपए लगते हैं एससी और एसटी के। अब हम बात करें साथियों साथ ही साथ प्राइवेट के, तो प्राइवेट में जो एडमिशन लगता है साथियों वो अलग अलग लगता है, गवर्नमेंट के अलग लेते हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट बहुत सारे प्राइवेट हैं कुछ अलग फीस लेते हैं, लेकिन मान के चलिए कितना कम से कम 15,000 से लेके आप सभी का एडमिशन जो होता है वो 20,000 रुपए तक होता है पर ईयर का, मतलब पर ईयर का आपको 15,000 से 20,000 रुपए देने होंगे, अलग अलग आईटीआई में अलग अलग मैटर करता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको आईटीआई के समय ही 15,000 लेने, किस्त में भी लेते हैं, जैसे 5,000 एडमिशन के समय, फिर 2,000 परीक्षा के समय, इसी इस प्रकार से करके पूरा करते हैं। लेकिन अब हम बात करें स्कॉलरशिप में, तो स्कॉलरशिप आती है जो साथियों वो 18,000 से लेके आपकी 22,000 तक स्कॉलरशिप भी आ जाती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको क्या करना है आईटीआई करना है तो टॉप ट्रेड के साथ करिए, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो प्राइवेट से ही करिए, लेकिन टॉप ट्रेड के साथ जो है आप अपनी आईटीआई करिए। अगर और कोई डाउट हो आपको तो आप हमें जरूर बताना,
और साथ में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए बरतनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे आप इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कई सारे और बता भी दूंगा। ऑनलाइन भरते समय आपको 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं, एक तो साथ में आपको अगर गवर्नमेंट आईटीआई लेना है तो अलग फॉर्म, प्राइवेट आईटीआई लेना है तो अलग फॉर्म, अगर आपको दोनों में लेना है तो अलग फॉर्म, वो सब चीजें मैं फॉर्म भरते समय आपको बताऊंगा। बाकी ये सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर और कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे साथियों।